नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आपके सामने मैं ऐसे योग की बात करने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में ये योग का सर्जन हो रहा है तो आपकी शादी बहुत शीघ्रता से हो सकती है, या ऐसा भी कहा जाए कि अचानक आपके शादी के योग बन सकते हैं। एक कहावत है कि आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो चट मंगनी पट ब्याह हो सकता है। तो ये योग अपनी सरलता से देख पाए ऐसे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप अपनी कुंडली जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली निकालें। जन्म कुंडली में प्रथम भाव में कोई भी नंबर लिखा हो वो आपको नहीं देखना है, लेकिन आपको वहां से सप्तम भाव को देखना है। जैसे आपको मैं एक दृष्टांत दूं कि प्रथम भाव में एक नंबर लिखा है तो सप्तम भाव में सात नंबर लिखा होगा, तो आपको सातवें भाव में कौन से नंबर लिखे हैं वो नंबर के आपको देखना है, साथ ही उसके राशि स्वामी को देखना है। समझ लीजिए आप कि अगर आपके प्रथम भाव में एक नंबर लिखा है तो सप्तम भाव में सात नंबर की राशि आएगी, सात नंबर की राशि आएगी तो तुला राशि आएगी और तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। आपको ऐसे सप्तम भाव में कौन से नंबर लिखा है आप याद रख लीजिए, ये सरलता से आपको पूरा समझाऊंगा, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। अगर आपके सप्तम भाव में प्रथम भाव वहां सप्तम भाव में एक नंबर लिखा है तो वहां मंगल की राशि है, माने मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी है मंगल देव। दो नंबर लिखा है उसके राशि स्वामी है शुक्र देव। तीन नंबर लिखा है तो उसके स्वामी है बुध देव। चार नंबर लिखा है तो उसके राशि स्वामी है चंद्रदेव। पांच नंबर लिखा है उसके है सूर्यदेव। छह नंबर लिखा है तो उसके राशि स्वामी है बुध देव। सात नंबर लिखा है उसके स्वामी है शुक्रदेव। आठ नंबर लिखा है तो उसके स्वामी है मंगल देव। नौ नंबर लिखा है तो उसके स्वामी है गुरुदेव। दस नंबर लिखा है तो उसके स्वामी है शनिदेव। ग्यारह नंबर लिखा है तो उसके स्वामी है शनिदेव। और बारह नंबर लिखा है तो उसके भी स्वामी है बृहस्पति माने गुरु। आपको नंबर और राशि स्वामी को याद रखना है। अब आपको क्या देखना है, आपको जो मैंने कहा है वो ग्रह है, जो ग्रह है वो कहां होना चाहिए, प्रथम भाव में होना चाहिए या चतुर्थ भाव में होना चाहिए। याद रख लीजिए दोस्तों, जो भी है सप्तम भाव के स्वामी है वो प्रथम भाव में होने चाहिए या चार नंबर माने चतुर्थ भाव है वहां होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा है वैसे आप समझ लीजिए, कोई कुंडली दिखाता है तो प्रथम भाव है, वहां से गिनती करेंगे तो चतुर्थ भाव आएगा। और दूसरी शर्त है, पहली शर्त मैंने आपको कह दी कि आपके सप्तम भाव के राशि स्वामी को याद करना है और वहां कहां बैठे होने चाहिए, प्रथम भाव में बैठे होने चाहिए या चतुर्थ भाव में बैठे होने चाहिए। अब दूसरी शर्त क्या है, वहां स्थिर राशि होनी चाहिए। तो स्थिर राशि कौन सी है, तो स्थिर राशि है प्रथम राशि है माने मेष राशि है, या चतुर्थ राशि है जो कर्क राशि है, सात नंबर की राशि है या दस नंबर की राशि है। जो मैंने अंक आपके सामने कहे हैं वो वहां अंक लिखे होने चाहिए। जैसे आपके राशि स्वामी है शुक्रदेव, तो शुक्रदेव प्रथम भाव में बैठे हो या चतुर्थ भाव में बैठे हो तो वहां ये चार जो राशि आपके सामने मैंने लिखी है कही है वो वहां होनी चाहिए, ये दूसरी शर्त है। अब मैं तीसरी शर्त रखने जा रहा हूं, उसको भी आपको समझना चाहिए। ये तीन शर्त अगर आपकी लग्न योग में हो गई है, ये योग बन रहा है तो आपके शीघ्रता से शादी होने के उत्तम योग जरूर निर्माण जरूर होंगे, साथ ही आपकी अचानक शादी होने के योग जरूर बनेंगे। दोस्तों तीसरी शर्त आपके सामने मैं रखू उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा और आप सरलता से अपनी कुंडली देख पाइए। साथ ही दोस्तों फेसबुक के माध्यम से ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको अपने
कुंडली के अनुसार आपकी शादी कब होगी, साथ ही आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा, ये सब कुछ आपको जानना है तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर लें। संपर्क करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आपको जन्म कुंडली दिखानी है, मेरी ऑफिस जामनगर में है, तो आपको अपने नाम भेजना होगा व्हाट्सएप में, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल, ये सब आपको भेजना होगा। सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी, फिर आपको समय दिया जाएगा, आपको कुंडली भेजी जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार जो भी आपकी जीवन की परेशानी है उसके लिए आपको शास्त्रोक्त तो उपाय बताए जाएंगे, सरल उपाय आपको बताए जाएंगे जो आप कर सके और आपकी परेशानी दूर हो सके। दोस्तों अब आपके सामने मैं रख रहा हूं तीसरी शर्त, ये आपको बहुत ही आवश्यक है, इस तीसरी शर्त को जानना। क्या है तीसरी शर्त? तो आपको देखना है कि राहु की दृष्टि भी उस ग्रह पे, उस भाव पे होनी चाहिए। और कैसे क्या रहेगी आपको याद रखना है, राहु है अगर प्रथम भाव में दृष्टि कर रहे हैं, अगर प्रथम भाव में आपका सप्तम भाव का जो स्वामी है प्रथम भाव में है तो राहु कहां होगा, सप्तम भाव में होगा तभी दृष्टि पड़ेगी, या आपके पंचम भाव में होंगे तभी दृष्टि पड़ेगी। साथ ही दोस्तों अगर आपका राशि स्वामी, सप्तम भाव का राशि स्वामी अगर चतुर्थ भाव में है तो राहु की दृष्टि कहां पड़ेगी, अष्टम भाव में रहेगी, राहु तब दृष्टि रहेगी, या दशम भाव में रहेगी तब दृष्टि रहेगी, या आपके राहु है वो द्वादश भाव में रहेंगे तभी दृष्टि रहेगी। तो दोस्तों आप राहु की स्थिति जान ले, राशि स्वामी को देख ले, और वहां जो स्थिर राशि है, चर राशि है, दोस्तों माफ कीजिए चर राशि है, उसको भी आपको देखना है। अगर दोस्तों आपको समझ ना आए तो ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपनी कुंडली बहुत सरलता से जान पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपके अचानक शादी के योग भी जरूर बनेंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी सरलता से आप जान पाए, ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।